Good morning, student. Today we will start our study in new session. And first we start subject English. बच्चों आज से हम अपना न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट में रीडिंग करेंगे, ठीक है। और इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका जो है बच्चों वो है अल्फ़ाबेट। फर्स्ट चैप्टर आपका आ रहा है अल्फ़ाबेट, ठीक है। आप अल्फ़ाबेट तो बच्चों प्रीवियस टू क्लासेस में भी आप रीड करके आए हैं, अच्छे से लर्न करके आए हैं। नर्सरी और LKG में भी आपने अल्फ़ाबेट पढ़े थे अच्छे से और समझे थे। अल्फ़ाबेट बच्चों टू टाइप्स होते हैं, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में भी अल्फ़ाबेट दिए हैं A to Z एंड स्मॉल लेटर में भी दिए हैं A to Z। मैं एक बार इनको रीड कर रही हूँ, आप भी अपना रीड कीजिए फिर से ताकि फिर से आपका रिविज़न हो जाए। फाइन, लेट स्टार्ट। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। फाइन, नेक्स्ट स्मॉल लेटर है, उसमें भी सेम आपको ये A to Z रीड करना है, ठीक है। और आप स्मॉल और कैपिटल लेटर ये आप सीख चुके हैं बच्चों, LKG में आपने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखना भी सीखा है ना, आप जानते अच्छे से। तो ये भी आप फिर से रीडिंग करेंगे एक बार ताकि आपका अच्छे से रिविज़न होते जाए। नेक्स्ट है बच्चों वॉवल्स। यहाँ पे आपको थर्ड पॉइंट दिया है बच्चों वॉवल्स। वॉवल्स बच्चों 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देयर आर 5 टाइप ऑफ वॉवल्स। और 5 लेटर्स कौन कौन से वॉवल्स के, देखिए A E I O U, दीज आर वॉवल्स, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ मैं, वॉवल्स कौन से हैं A E I O U। अब अपन अल्फ़ाबेट में इसको फाइंड आउट करते हैं। हमारी अल्फ़ाबेट जो है ऊपर A to Z जो हमारी ये लेटर्स हैं इनमें देखिए वॉवल्स कौन कौन से हैं A E I O U। 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर जो हैं बच्चों 5 लेटर ये वॉवल्स कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या कहलाते हैं, वॉवल्स। फाइन, नेक्स्ट देखिए बच्चों कॉन्सोनेंट्स। लास्ट में आपके यहाँ पे दिए कॉन्सोनेंट्स। अब कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं बच्चों, मैं रीड करूँ एक बार, आप ही रीड कीजिए। B C D E F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z, ठीक है। दीज आर कॉन्सोनेंट्स। अब इसमें देखिए बच्चों, जब हम अपनी जो अल्फ़ाबेट है बच्चों A to Z जो हमारी अल्फ़ाबेट होती है उनमें से जब ये हम वॉवल्स को जब फाइंड आउट कर लेते हैं, हम उन्हें जब बाहर निकाल लेते हैं, अलग से देख लेते हैं, जैसे A E I O U, ये 5 लेटर्स को जब हम इन 5 वॉवल्स को जब हम बाहर निकालते हैं, अलग से लिखते हैं, तो जो बाकी के जितने भी अल्फ़ाबेट बचते हैं, जितने भी लेटर्स बचते हैं बच्चों, वो क्या कहलाते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, जो हम वॉवल्स के 5 लेटर्स को अलग करने के बाद जो भी दूसरे लेटर्स बचते हैं, जितने भी दूसरे लेटर्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर से देखिए A E I O U, ये वॉवल्स को अलग करके, इन 5 वॉवल्स को जब हम हमारी अल्फ़ाबेट में से अलग करते हैं, तो जो बाकी B से लेके Z तक बाकी जो हमारी लेटर्स बचते हैं B C D से लेके यहाँ YZ तक बीच, तो ये क्या कहलाते हैं, सभी कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है बच्चों, ये कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। फाइन, अब बच्चों एक चीज़ बता देती हूँ मैं, आपको क्लियर करती हूँ, आपको HKG क्लास में ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है कि आपको आना चाहिए कि वॉवल्स वो होते हैं बच्चों, वॉवल्स किन्हें कहते हैं, जिनकी मात्राएं होती है, जिनके साउंड्स होते हैं मात्राएं होती है, ठीक है। इन ये जो 5 वॉवल्स हैं इनकी मात्राएं लगाई जाती है, ठीक है ना, इसलिए ये वॉवल्स कहलाते हैं। और ये 5 जैसे अ, ये आ की मात्रा होती है, ई की मात्रा लगती है, हिंदी में जो आप सीखते हो ना बच्चे मात्राएं, वो आई ई की मात्रा, ओ की मात्रा और ऊ की मात्रा, तो बच्चों जो मात्राएं हम लगाते हैं वो इन वॉवल्स की होती हैं, ठीक है ना, ये इसलिए वॉवल्स अलग होते हैं, ये इनकी मात्राएं लगाई जाती हैं हिंदी में, ठीक है ना बच्चों, हिंदी सब्जेक्ट में जब हम पढ़ते हैं। फाइन, और ये सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिनकी मात्राएं नहीं होती हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे देखिए, आपको एक एक्टिविटी दी है बच्चों, ये एक्टिविटी दी है, इसमें आपको दिया है
लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड. फाइन, ये सारी पिक्चर्स दिए हैं आपको, इनको आप ध्यान से देखिए और जो इनके नीचे जो स्पेलिंग्स जो वर्ड्स दिए हैं उसको कंप्लीट करना. आपको जो स्पेलिंग दिए ये इसमें एक एक लेटर मिस है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है. ठीक है, अब ये पिक्चर हम देखेंगे. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एन एप्पल. फाइन, ये क्या है बच्चों? एप्पल है. तो एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है? ए डबल पी एल ई, एप्पल. तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे? ए, ए फॉर एप्पल. ठीक है, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है यहाँ पे आपको ए लिखना है. फाइन, नेक्स्ट है बॉय, बी ओ वाई, बॉय. फाइन, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? बी. ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर किसकी है बच्चों? कैट की. क्या है ये? कैट. अब कैट की स्पेलिंग क्या होती है? सी ए टी, कैट. आपको यहाँ पे सी मेंशन करना है. नेक्स्ट है डॉग, डी ओ जी, डॉग. ठीक है, यहाँ पे डॉग, यहाँ पे डॉग की स्पेलिंग आएगी, दिस इज डॉग. तो यहाँ पे आप डी लिखोगे और स्पेलिंग बन जाएगी डी ओ जी, डॉग. ये कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट है बच्चों, ये पिक्चर देखिए और बताइए किसकी पिक्चर है? एलिफेंट की. ठीक है, तो आपको एलिफेंट की स्पेलिंग कंप्लीट करनी है. यहाँ पे आपको लिखना ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट. ये स्पेलिंग कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट है फैन. क्या ये? फैन. अब फैन की स्पेलिंग होती है एफ ए एन, फैन. ठीक है, आपको यहाँ पे एफ फिल करना है. नेक्स्ट है गोट. तो यहाँ आपको लिखना है गोट. गोट की स्पेलिंग जी ओ ए टी, गोट. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जी फिल करना है. नेक्स्ट है हैन, एच ई एन, हैन. ठीक है, आपको एच लिखना है. इसके बाद इंक पॉट. ये क्या पिक्चर है बच्चों? इंक पॉट की पिक्चर है. तो आपको यहाँ पे आई लिखना है, आई, आई एन के इंक पी ओ टी, पॉट, इंक पॉट. नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट यह है पिक्चर देखिए. व्हाट इज दिस? दिस इज अ जग. जग क्या है ये? जग. तो यहाँ पे जग की स्पेलिंग लिखनी है, जे यू जी, जग. आपको जे लिखना है. ठीक है, पूरी स्पेलिंग क्या कंप्लीट होगी? जे यू जी, जग. नेक्स्ट है काइट. काइट की स्पेलिंग के आई टी ई. ठीक है, तो आपको यहाँ पे के लिखना है. तो क्या स्पेलिंग बनती है? के आई टी ई, काइट. नेक्स्ट लायन. यहाँ पे आपको लिखना है एल आई ओ एन, लाइन. तो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना है? एल. फाइन, बन गया लाइन. ठीक है, तो ये आपको वर्कशीट कंप्लीट करनी है बच्चों. अल्फ़ाबेट को रीडिंग करना फिर से, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को समझना, और इसके बाद आपको ये वाला जो आपको एक एक्टिविटी दी है इसको आपको बुक में ही फिल करना है. ठीक है, इसको बुक में ही फिल करना है. फाइन, नेक्स्ट टर्न योर पेज. इसी एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं बच्चों. ये जो अभी हमने की थी उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये. ये देखिए पिक्चर देखिए. व्हाट इज दिस? दिस इज अ मंकी. क्या है ये? मंकी. अब मंकी की स्पेलिंग लिखेंगे, या हम लिखेंगे एम ओ एन के ई वाई, मंकी. ठीक है, तो ये एम फिल कर दिया तो ये बन गया मंकी. नेक्स्ट नेस्ट, एन ई एस टी, नेस्ट. यहाँ पे आपको क्या लिखना है? एन. नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ये है बच्चों ऑरेंज की पिक्चर. ठीक है, क्या डायग्राम है ये? ऑरेंज का. आपको ऑरेंज की स्पेलिंग कंप्लीट करनी है यहाँ पे, और यहाँ आपको लिखना है ओ. क्या लिखना है? ओ, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज. नेक्स्ट पैरट. पैरट की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, तो आप यहाँ लिखिए पी ए डबल आर ओ टी, पैरट. यहाँ पे आपको क्या फिल करना है? पी. नेक्स्ट क्वीन, क्यू यू डबल ई एन, क्वीन. नेक्स्ट आर ए डबल बी आई टी, रैबिट. आपको यहाँ आर लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए नीचे. नेक्स्ट है आपका सन. क्या है बच्चों पिक्चर में? आपको सन, सन की स्पेलिंग एस यू एन, सन. तो आपको यहाँ पे एस लिखना है. नेक्स्ट टी ओ पी, टॉप. ठीक है, नेक्स्ट ये पिक्चर किसकी बच्चों? अम्ब्रेला की. तो यहाँ पे आप लिखेंगे यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला. फाइन, नेक्स्ट देखिए बच्चों पिक्चर वैन, वी ए एन, पेन. वी लिखना है यहाँ. नेक्स्ट है वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच, वॉच. नेक्स्ट एक्स मस, एम ए एस टी आर डबल ई, ट्री. एक्स मस ट्री. यहाँ पे आपको एक्स लिखना है ऐसे क्रॉस करके. ठीक है ना. और लास्ट है बच्चों आपका, यहाँ आपको फिल करना वाई,
YACH, याच, क्या स्पेलिंग बन गई, याच। ये नेक्स्ट देखिए जेड, यहाँ पे आपको बच्चों जेड फिल करना है, जेड फॉर जेबरा जो हम पढ़ते हैं ना अल्फ़ाबेट में वो, तो यहाँ लिखना है जेड आई पी जिप, क्या बनाइए जेड आई पी जिप, फाइन। तो बच्चों आज आपको यहाँ तक ये आपके बुक इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अल्फ़ाबेट से हमने स्टार्ट किया, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, उसके बाद वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स किए, उसके बाद ये एक्टिविटी कंप्लीट की। तो आपको भी यहाँ तक कंप्लीट करना है और इसको बुक में ही फिल करना है बच्चों, है ना, कॉपी में नहीं करना है आपको, ये सब बुक में करना है। और जो आपको मैं राइटिंग बुक का वर्क दूंगी बच्चों, जो आपकी इंग्लिश की राइटिंग बुक है ना, तो इंग्लिश की राइटिंग बुक में जिसमें कैपिटल कर्सिव स्मॉल कर्सिव वगैरह चल रही है, तो कैपिटल कर्सिव का तो वो होमवर्क जो आपको मिलेगा वो आपको वो राइटिंग बुक में ही कंप्लीट करना है, ठीक है। उसी राइटिंग बुक में आपको अच्छे से कर्सिव लेटर लिखना सीखना है, ठीक है ना। ऊपर स्टेप दिए हैं, ये आपको मैं हम पहले भी करा चुके बच्चों, लेकिन फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपका फिर से रिविज़न हो रहा है ना, न्यू सेशन पे आपको फर्स्ट चैप्टर से एक बार फिर से रिवाइज कराया जा रहा है, फिर से रिविज़न चल रहा है, फाइन। थैंक यू।